बड़ी जानकारी हरियाणा की राजनीति जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। किरण चौधरी कल कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती है, जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे किरण चौधरी, सूत्र ये बता रहे हैं। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें हरियाणा कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका। बंसीलाल परिवार हरियाणा की राजनीति में अपना एक मुकाम रखता है और इसी सिलसिले में अब ये बड़ी जानकारी, अहम खबर किरण चौधरी को लेकर आ रही है कि वो कांग्रेस छोड़ सकती हैं, सूत्र बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, कल ये भी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ज्वाइन करेंगी किरण चौधरी, कल सूत्र ये बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मंच से राहुल गांधी के सामने किरण चौधरी रावदान सिंह के बीच एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए सबने देखा था और लोकसभा चुनाव में आरोप लगे थे कि किरण चौधरी की तरफ से रावदान सिंह का सपोर्ट नहीं किया गया, ऐसे आरोप लगे थे और इसको लेकर किरण चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, कांग्रेस छोड़ सकती हैं। अपने आप में ये एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है हरियाणा की राजनीति की, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी यही खबर है कि किरण चौधरी जो कि विपक्ष की, यहाँ पे अगर विधानसभा में बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ जो है मजबूत आवाज उठाती थी और लोकसभा चुनाव के दौरान जैसा कि आपने बताया कि वो देखने को भी मिला था कि रावदान सिंह जी को जब टिकट दिया गया था तो उस दौरान कहीं ना कहीं किरण सिंह का सपोर्ट नहीं मिला था और ये मीडिया में भी खुल के इस बात की चर्चा हुई थी और जिसको लेके लगातार आयात कयास लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी के ऊपर जो है हाईकमान पार्टी जो है वो भी उनको फैसला लेगी। तमाम चीजों को देखते हुए उसी समय से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस को अलविदा कहने वाली है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कहते हैं कि वोट परसेंटेज बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह अगर नेताओं का जाना अगर कांग्रेस से लगा रहेगा तो वाकई में कांग्रेस के लिए चिंतन और मंथन का समय है। मनीष जी, देखा जाता है कि जब इस प्रकार से कोई खबर सामने आती है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने जो विरोधाभास है वो खुलकर सामने आने की बात होती है। लोकसभा चुनाव में जब श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया तो सीधा आरोप लगा कि किरण चौधरी ने कल कहा कि देखिए सर्वे में श्रुति चौधरी आ गई थी लेकिन उसके बाद भी टिकट नहीं देना, तो ये बातें बता रही थी। और कुछ समय पहले जब रावदान सिंह को टिकट दिया गया तो दोनों मां बेटी का जो ड्रेस कोड था वो भी सवालों में था, चर्चाओं में था कि आखिर उन्होंने आज ये एक ही जैसे ड्रेस और वो भी कहीं ना कहीं हम बात करें भगवा प्रतीत हो रहा था, तो कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे लेकिन अब उनका एक रिजल्ट परिणाम जो है वो कल आ सकता है, ये कह सकते हैं। ये अक्सर ऐसा होता भी रहा है क्योंकि श्रुति चौधरी वहां से सांसद भी रही है और कहीं ना कहीं इस चीज का मलाल था किरण चौधरी को कि उसको दोबारा से टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन अगर भगवा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें जिनसे आज हमारी बात हुई, नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार हमारे पास तो संपर्क में और काफी सारे नेता कांग्रेस के नेता हैं जो कि हमारे साथ संपर्क में हैं, लेकिन समय पे समय जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे चीजें आपके सामने होगी। लेकिन अगर अभी की बात करूं तो किरण चौधरी जो बंसीलाल जी के परिवार से आते हैं, और मैं आपको यहाँ पे सुनते एक बात और भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा के 3 लाल अगर बात करें तो देवीलाल की बात कीजिए आप, बंसीलाल की बात कीजिए आप, भजनलाल की बात कीजिए, ये नाम वो है जो कि हरियाणा की राजनीति में अपना बहुत बड़ा, बिल्कुल हरियाणा की राजनीति में लोगों का बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है। हमारे साथ केवल ढींगरा हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। मनीष जी, आपके पास आऊंगा। केवल ढींगरा जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। केवल ढींगरा जी, खबर आ रही है, सूत्रीय बता रहे हैं कि किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है और बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये उनका पर्सनल
पर्सनल निर्णय होगा, लेकिन सवाल ये है कि वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। बाकी क्या है कि डेमोक्रेसी है, सबको अपनी मर्जी है, अपना अधिकार है, किस पार्टी में रहना है, विचारधारा की बात है। कांग्रेस की विचारधारा सभी को लेकर साथ चलती है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा तोड़ फोड़ की राजनीति रहती है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है जी। वो एक तरफा चलते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। अब किसी को कोई गुस्सा हो वो हो, उसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, वो उसका निदान करती है। हम तो बार बार यही बात उनको कह रहे थे, सजेशन भी ये दे रहे थे कि आप अपनी बात हाईकमान पे रखें, लेकिन वो मीडिया में रखना चाहती हैं, वो हाईकमान पे नहीं रखना चाहती। तो सवाल तो यही है कि उनको अपनी बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रखनी चाहिए ना। उनको अपनी बेटी के टिकट का मलाल है जी, और उनको टिकट नहीं मिली। तो असल में IICC ने जिन लोगों दो दो बार जो लोग हारे हैं उनको टिकट नहीं मिली है जी। तो चंडीगढ़ में पवन बंसल है, दो बार हारे हैं, उनकी वरिष्ठ नेता है, उनकी भी टिकट कटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तैयार रहे हैं, उनकी भी टिकट कट गई। इसी तरह से श्रुति चौधरी की टिकट कट गई। अब टिकट कटनी है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का काम है ना, उसको देखना। लेकिन सवाल ये है ढिंगरा साहब, ये जो इस्तीफे की बात आ रही है, तो क्या ये आलाकमान का निर्णय है, उनकी तरफ से कुछ कहा है कि खुद किरण चौधरी का अपना मन हो सकता है, जिस तरह से वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रही है? मुझे नहीं पता कि उनका क्या मन है क्या नहीं है, तो आप ही कह रहे हैं कि वो छोड़ना चाहती है, अब मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनकी अगर टिकट कटी है उनकी बेटी की, तो वो कोई हरियाणा के किसी लोगों ने नहीं काटी, वो तो टिकट तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा कटी है, क्योंकि जो वहां पे क्राइटेरिया था, जो दो बार हार गए उनको टिकट नहीं दे रही थी पार्टी, तो उसमें मैं आपको चंडीगढ़ का नाम दे रहा हूँ, पवन कुमार बंसल, वो दो बार हारे, उनकी टिकट भी कटी और श्रुति चौधरी की भी टिकट कटी। तो इसमें अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर चढ़ के तो कोई हो नहीं सकता, मुझे ठीक है। लेकिन आरोप ये लगाया गया कि देखिए इसमें पिता पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं टिकट जो वितरण का जो प्रोसेस था उसमें बाधा बने हैं, और ये भी कहा कि हम सर्वे में आगे थे, श्रुति चौधरी आगे थे, लेकिन उसके बाद भी रावदान सिंह को टिकट दिलवा दिया गया। ढिंगरा साहब आऊंगा आपके पास, मेरे साथ नया दवन प्रवक्ता बीजेपी से। नया जी स्वागत है आपका, और ये बात सामने आ रही है कि जैसे भी केवल ढिंगरा बात करें कि बीजेपी का काम ये तोड़फोड़ की राजनीति करना, उन्हें भी कहने के अंदेशा है कि ऐसा होगा और इसके पीछे बीजेपी वजह है, अगर किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होती तो ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए शमशेर जी, केवल ढिंगरा जी को मैं अभी सुन रही थी और कितने आराम से वो ये बात कह रहे हैं कि उनको शिकायत करनी चाहिए थी, आला कमान से शिकायत करनी चाहिए थी, उनको जो है मीडिया में कहने का शौक है। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि कांग्रेस को अपने पुराने नेताओं का, अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही नहीं आता है। आप पिछले दिनों देखिए कांग्रेस को कितने लोग छोड़कर गए, अशोक तंवर जी को ये संभाल नहीं पाए, प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, उनको संभाल नहीं पाए, उनका सम्मान उनको दे नहीं पाए, एक ऐसी कास्ट से एक बड़े नेता थे वो प्रदेश के, उनको भी अपने पास सहेज कर नहीं रख पाए, और ऐसे कितने नाम है, कितने चेहरे हैं जिन सबकी राजनीति का भट्ठा बिठाना, जिन सबकी राजनीति का गला घोटने का काम जो है वो हुड्डा साहब ने अपने बीड़े उठाया हुआ है, उनको सिर्फ पिता और पुत्र की जो राजनीति है, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की राजनीति को ठंडे थैले बस्ते में बांध कर बंद कर दिया है। ये जो रणनीति हुड्डा जी की चल रही है कांग्रेस हरियाणा में, और इसका समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, बड़े ही शर्म की बात है कि आपका एक बड़ा चेहरा, आपका एक नहीं मैं कहूंगी दो बड़े चेहरे आपके, जिनकी पुश्तैनी राजनीति है, कांग्रेस को उनके परिवार ने अपने खून पसीने से सींचा, और उसके बाद आप उनके लिए इस तरह के शब्द, उनको सहेज कर अपने पास रखना, उनका सम्मान करने की बजाय आप कह रहे हैं कि उनको मीडिया में आने का शौक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक सीनियर नेता के लिए बहुत ही गलत बात लगती है। और यही क्राइटेरिया अगर इनका रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े चेहरे को ये रुकने देंगे, और हुड्डा परिवार के अलावा, पिता और पुत्र के अलावा, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रांत में कोई कांग्रेस में बड़ा चेहरा निकल कर आ सकता है। ठीक है ढिंगरा साहब, आपसे जरा जानूंगा, नया धवन जी ने जो बातें कही है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं टिकेगा, अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, अशोक तंवर ने पार्टी को छोड़ा, अब सामने जो है
किरण चौधरी का नाम सामने आएगा, तो ऐसे में अगर पार्टी में कुछ लोग ऐसे छोड़कर जाते हैं, उनका अपने अपने इलाके में अगर पूरे प्रदेश में रुतबा नहीं है तो अपने इलाके में जरूर पकड़ है, और ऐसा रहा तो फिर आप लोगों के लिए विधानसभा चुनाव बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए अशोक तंवर जी बहुत बड़ा चेहरा था जो 5 पार्टियों में कूद करके बीजेपी में गए थे और इन्होंने लपक लिया उसको जोर से और उनको फिर हिसार से सत्ता से टिकट दिया, तो उनकी क्या हालात हुई ये जनता ने देख लिया, आपने भी देख लिया और सभी ने देख लिया ना कि उनकी हालात क्या हुई। ये कह रहे हैं बहुत बड़ा चेहरा, तो चेहरे का तो आपने हाल देख लिया ना। जो आदमी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की के खिलाफ नारे लगाता हो उस आदमी नहीं, आपकी पार्टी के ढिंगरा साहब प्रदेश अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, तो क्या कहें कि आपकी पार्टी ने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो चेहरा ही नहीं था। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैं जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो उनका सिस्टम जो था वो पार्टी के अंदर काम सही करने का था, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन जिस समय जब वो गए छोड़ करके और सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के घर के बाहर उन्होंने जिस तरह से उनके खिलाफ नारे लगाए जी, किसी ना किसी के कहने पर, वो मैं षड्यंत्र की जो बात बता रहा हूँ भाजपा। एक मिनट नया जी, नया जी आ रहा हूँ, हाँ नया जी एक मिनट, की बात कर रहा हूँ ठीक है। जिस तरीके से भाजपा षड्यंत्र करती है वो बात का जवाब ये नहीं देगी, क्योंकि अब श्रुति चौधरी ने आपको क्राइटेरिया बताया और मैंने कब कहा कि वो मीडिया में शौक किया जाती है, मैंने कोई ऐसा वर्ड नहीं लिया, मैंने कहा उनको मीडिया में ना जाकर हाईकमान पे जाना चाहिए अपना। चलिए एक अहम बात है, इससे एक बात कहने के स्पष्ट होती है कि किरण चौधरी के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अब पराया घर हो गया है और बीजेपी नया घर होने वाला, इस बात की संभावनाएं हैं। दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को अपना अपना नजरिया है, अपना अपना वक्तव्य है, लेकिन देखेंगे कि आने वाले कुछ घंटों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है।